दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए व्रत में बनने वाला साबूदाना का पराठा। बहुत ही आसान रेसिपी लेकर मैं आई हूँ और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और घर की चीज़ों से आप बना सकते हैं। अगर आप साबूदाना का वड़ा और खिचड़ी खा के हो गए हैं वो, एक बार साबूदाना का पराठा बना कर जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बन जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरोज, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरोज के किचन में। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी चालू करते हैं। मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया है जिसको मैंने 4-5 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। फिर मैंने लिया है हरी मिर्च, हरी मिर्च को मैंने अदरक कूट लिया है। फिर अदरक को मैंने कद्दूकस लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा नींबू का रस, मैंने मूंगफली को भून करके पीस लिया है। मैंने 4 आलू लिए हैं छोटे साइज के उबाल के, मैंने 1 बड़ा साइज का आलू लिया है, कच्चा आलू है, इसे हम कद्दूकस करेंगे। फिर हम अपने साबूदाना को एक बॉल में डाल लेंगे जिसमें हमें सारे मसालों को मिक्स करने में आसानी होगी, तो मैं थोड़ा बड़ा बॉल ले रही हूँ उसके लिए। अपने साबूदाना को बॉल में डाल देंगे। फिर जो हमारा कच्चा आलू है उसको हम कद्दूकस करेंगे। मैंने बड़ा साइज का आलू लिया है, आप छोटा साइज ले रहे हैं तो 2 आलू ले लें। अब मैंने आलू का कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मैंने उबला हुआ आलू लूँगी। आलू को आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं, बट मैंने आलू को बहुत अच्छे से उबाल दिया है जिससे हमारा आलू जो है सॉफ्ट हो चुका है। मैंने आलू को ज़्यादा उबाला है, मैं ऐसे ही आलू को ले रही हूँ। आलू लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा नींबू का रस। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो मैंने मूंगफली का पीस के रखा था वो, अदरक, हरी मिर्च का अदरक कूटा हुआ पेस्ट। मैं हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा ली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ। यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच के आसपास मैंने जीरा लिया है। इस तेला नमक, मैं उपवास का नमक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो घर का जो रेगुलर नमक है वो यूज़ कर सकते हैं, मैंने सेला नमक यूज़ किया है। सारे मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे, इसका एक हम सॉफ्ट डो बनाएंगे जब तक कि एक अच्छे से सारे मसाले मैश ना हो जाए, आलू जो है अच्छे से मैश ना हो जाए। अच्छे से हम मिलाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये तैयार है हमारा यहाँ पर डो। अब इसको हम रख देंगे साइड में और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर घी ली हूँ जिसको मैंने गर्म कर लिया है, मैं उपवास के लिए बना रही हूँ इसके लिए घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो रिफाइन तेल का यूज़ कर सकते हैं, सरसों तेल का यूज़ ना करें क्योंकि उपवास में नहीं खाते हैं। फिर मैंने एक पोलथीन लिया है, उस पर घी लगा दूंगी और हाथों में घी लाकर एक लोई सा बनाऊंगी, एक छोटा बॉल का आकार का। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। फिर हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको फैलाएंगे। अब इसे ज़्यादा ना फैलाएं, इसे मोटा ही रखें वरना आपका पराठा जो है टूटने लगेगा। और ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्के हाथ से इसे प्रेस करें और इसको गोल शेप दें जिसमें मैं दे रही हूँ। ऐसे ही मैंने एक पराठे का इसका शेप दे दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं चलते हैं गैस की तरफ। मैंने पैन रख दिया था गर्म होने के लिए, इसमें डाल दूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच छोटा चम्मच घी ली हूँ। इसमें बहुत ही कम घी या तेल लगता है। अब इसमें हमारा पराठा डाल देंगे। आप यहाँ बहुत ही हल्के हाथ से उठाए वरना पराठा टूट सकता है। और इस पर डाल देंगे अपने घी पर और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम फ्राई ना करें वरना आपका जो पराठा है जल जाएगा। जब तक हमारा पराठा सीख रहा है तब तक हम अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पराठा ले सकते हैं या बना सकते हैं, मैंने थोड़े छोटे साइज के बनाए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपने गैस की तरफ, पराठा हमारा सीख गया होगा। हमारा पराठा जो है एक साइड से सीख चुका है। अब ऊपर वाले हिस्से में हम थोड़ा घी लगा देंगे ताकि इसे हम जब पलटें इस साइड भी अच्छे से सीख जाए। घी लगा लेंगे, यहाँ पर हमारा पराठा जो है सीख चुका है। अब इसको हम पलट देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। ऐसा ही कलर आने तक हम उस साइड भी फ्राई करेंगे अच्छे से। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं एक साइड सीखने में। देखिए इस साइड भी अच्छा कलर आ चुका है। अपने पराठे को हम निकाल लेंगे प्लेट में।
अपने पराठे निकाल लेंगे। पराठे निकालने के बाद अपना बाकी पराठा ऐसे ही बना लेंगे जैसे मैंने सेम प्रोसेस से बनाया वैसे ही बनाऊंगी दोस्तों। और भी मैंने वीडियो डाला है व्रत के लिए, तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों और कम टाइम में बन जाता है, तो आप जाकर एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मेरा दूसरा पराठा जो है तैयार हो चुका है, इसको भी पलट देंगे घी लगा करके। हमारे यहाँ पे पराठा तैयार हो चुका है, तब इसको भी निकाल लेंगे। अब चलेंगे सर्व करने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने दही के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने उपवास वाला भी चटनी बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।